दोस्तों आज हम जानेंगे दुनिया के दूसरे सबसे बड़े महासागर अटलांटिक महासागर के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि इसका नाम यूनानी देवता एटलस के नाम पर अटलांटिक महासागर पड़ा, जिसे हम अंध महासागर के नाम से भी जानते हैं। यदि पूरी पृथ्वी के जल और थल भाग की बात करें तो पृथ्वी का एक बहुत बड़ा भाग जल से घिरा हुआ है, जिसके अंतर्गत समुद्र, झील, नदी, तालाब सभी सम्मिलित हैं। यदि हम झील, तालाब आदि को छोड़ भी दें तो पृथ्वी की पूरी जल राशि आपस में जुड़ी हुई है, जिसे हम विश्व महासागर कहते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं हम धरती के केवल एक तिहाई हिस्से में ही रहते हैं, यानी पृथ्वी के बाकी हिस्सों पर बहुत सारा पानी यानी महासागर है। पृथ्वी पूरे सौर मंडल में एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ महासागर पाए जाते हैं, जो पृथ्वी के लगभग 70.8% भाग पर फैले हुए हैं। विश्व के महासागरों एवं सागरों का क्षेत्रफल लगभग 366 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जो मंगल ग्रह के क्षेत्रफल का 2 गुना और चांद के क्षेत्रफल का 9 गुना है। दोस्तों ये तो आप जानते ही होंगे, पृथ्वी पर कुल 5 महासागर हैं, जिसमें से अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा और गहरा महासागर है, जिसका कुल क्षेत्रफल 10.65 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। गहराई की बात की जाए तो अटलांटिक महासागर की औसतम गहराई 3924 मीटर है, वहीं इसकी अधिकतम गहराई 8486 मीटर है। अटलांटिक महासागर यूरोप तथा अफ्रीका जैसे बड़े महाद्वीपों को नई दुनिया के महाद्वीपों से अलग करती है, और इस महासागर का आकार लगभग अंग्रेजी के अंक 8 के समान है। लंबाई की बात की जाए तो उत्तर में बेरिंग जल डमरू मध्य से लेकर दक्षिण में कोस्ट लैंड तक इसकी लंबाई 20,496 किलोमीटर। अटलांटिक महासागर में दुनिया के सभी महासागरों की तुलना में अधिक मात्रा में मछलियां पाई जाती है। यहां तक कि पूरी दुनिया में सिर्फ प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर में पाए जाने वाली टार्पोन मछली यहाँ पाई जाती है, जो बेहद खतरनाक होती है। दोस्तों आपने सुना होगा अटलांटिक महासागर को प्यासा महासागर भी कहा जाता है, क्योंकि यह दुनिया की कुछ बड़ी नदियों को अंदर समा लेता है, जिसमें अमेज़न नदी, कांगो नदी, राइन नदी और भूमध्य सागर की नदियां आदि शामिल है। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त प्यूर्टो रिको ट्रेंच है, जो अटलांटिक महासागर के उत्तर में स्थित है। यूं तो इस महासागर में 19 गर्त है, जिसमें सबसे गहरा गर्त प्यूर्टो रिको गर्त है, जिसकी गहराई 9200 मीटर है और लंबाई 800 किलोमीटर है, जो विश्व में प्रशांत महासागर में स्थित मारियाना ट्रेंच के बाद दुनिया का दूसरा सबसे गहरा गर्त है। साथ ही इस महासागर में दुनिया के किसी भी महासागर से ज्यादा ज्वार आती है, यानी 50 फीट तक ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। दोस्तों शायद आपको पता नहीं होगा, पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक ऐसी जगह है जहां बड़े बड़े आइसबर्ग है, यानी बर्फ की विशाल चट्टाने 15 अप्रैल 1912 को दुनिया का सबसे बड़ा और आलीशान जहाज RMS टाइटेनिक अटलांटिक महासागर के इसी हिस्से में एक विशाल हिमखंड से टकराकर 2.5 घंटे के बाद डूब गया था। यूं तो पूरा ब्रह्मांड रहस्यों से भरा हुआ है, मनुष्य लगातार रहस्यों से पर्दा उठाने का काम कर रहा है। कुछ चीजों के रहस्य तो हमारा आधुनिक विज्ञान सुलझा लेता है, पर कई रहस्य ऐसे होते हैं जिसे सुलझाने में वैज्ञानिकों के पसीने छूट जाते हैं। अटलांटिक महासागर में एक ऐसी ही जगह है जिसे बरमूडा ट्रायंगल या बरमूडा त्रिभुज कहा जाता है, और यह त्रिकोण उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर का एक क्षेत्र है, जिसके रहस्यों से आज तक कोई भी पर्दा नहीं उठा पाया है। इस रहस्यमय जगह ने कई सारे जहाजों को अपने अंदर निगल लिया है। आपको ये भी बता दूं, अटलांटिक महासागर का समुद्री तट प्रशांत महासागर के समुद्री तट की तुलना में सिर्फ 23,797 किलोमीटर ही छोटा है। दोस्तों क्या आप जानते हैं अमेरिका की अमेलिया एयरहार्ट विश्व की वो पहली महिला है जिसने अटलांटिक महासागर को अकेले ही पार किया था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। चलिए तो आपसे फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।